नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सिरमौर नगर परिषद के अंतर्गत संभावित उम्मीदवारों का एक साक्षात्कार हम यहां पर आयोजित कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हमारे सम्मुख बीजेपी के वरिष्ठ नेता और आगामी नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हम खबरदार न्यूज पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपकी राजनीतिक यात्रा को लेकर के करना चाहेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आपके सिरमौर नगर परिषद और जिले में भी एक छवि है, तो इस राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई, इसकी प्रेरणा और वर्तमान समय तक का सफर जो रहा उस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हमने 1984 में वनस्पति शास्त्र से MSc की पढ़ाई पूरी करने के बाद कमलेश्वर सिंह जी उस समय प्रदेश प्रतिनिधि थे, उनके सानिध्य में मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण जी ग्रहण करने के बाद मैंने 86 में सक्रिय सदस्य बना और उसके बाद लगातार अभी तक संघ का भी प्रशिक्षित हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सक्रियता से लगातार राजनीति करता रहा जी। मैं पिछले 4 साल मंडल अध्यक्ष भी रहा जी, पार्टी में जिले का मंत्री भी रहा जी, जिला कार्य समिति सदस्य हूँ आज वर्तमान में। इसके पहले मेरी पत्नी को जी एक बार नगर परिषद से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था चुनाव लड़ने का, उस बार वो सफल नहीं हो पाई थी जी। वो बहुत दिन से ये आकांक्षा थी, अपन ने कभी विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत की कभी भी इच्छा नहीं जाहिर की कि चुनाव लड़ना है। केवल लक्ष्य था नगर पंचायत में अगर कभी भी ऐसा मौका मिले और पार्टी अगर इस लायक समझे कि हम चुनाव लड़ें और अपने इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग दे सकें, सहयोग की भूमिका निभा सकें, इस दृष्टिकोण से मैं लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। समाज सेवा में जितना अपने से बन पड़ता है, कोई अतिशयोक्ति की बात तो नहीं कहता, पर समाज से जो लोग समाज के हमसे अपेक्षा रखते हैं उनमें खरा उतरने का प्रयास करता हूँ। अगर पिछले 10 वर्षों की बात करते हैं तो सिरमौर विधानसभा, रीवा लोकसभा और आपका नगर परिषद भी बीजेपी के अधीनस्थ ही बीजेपी के जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुने गए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी सिरमौर व्यापक तौर पर आप एक उपेक्षाओं का शिकार है, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर ऐसी कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये उपेक्षाओं का शिकार है और विकास जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है? सिरमौर के विकास के संदर्भ में जो आपने प्रश्न किया जी, प्रश्न आपका लाजिमी जी। निश्चित रूप से यहाँ जो पदासीन रहे जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी, उनकी सोच क्या रही होगी, अच्छी रही हो या बुरी रही हो, पर विकास नहीं हो पाया जी। विकास में वो गति नहीं आई जो गति आनी चाहिए जी। तो किन बिंदुओं को लेकर के आपकी आगामी कार्य योजना रहेगी जिस वजह से ये उपेक्षाओं का शिकार बना हुआ है, किन सारे मुद्दों को लेकर के आप आगामी चुनाव पे आएंगे जिस पर चुनाव के पश्चात आप कार्य करना चाहेंगे? हमारा विजन है सिरमौर का विकास जी, और सिरमौर का विकास यहाँ के लोगों के बीच में बैठ करके जी, बाढ़ सह लोगों के बीच में बैठ करके, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके बीच बैठ करके, जो समस्याएं हैं वर्तमान में और जो समस्याएं भविष्य में आना चाहती हैं उनके निराकरण हेतु प्रयास किया जाना चाहिए और प्रयास सफल भी होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि अपनी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, हमारे यहाँ ऊर्जावान नवीन नवयुवक विधायक भी हैं जिनको सोचने समझने की उनके पास क्षमता है, तो निश्चित रूप से विकास होगा। हम भी जो करीब 4 बार विधानसभा के प्रभारी रहे, 3-3 बार हम विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन एजेंट भी रहे, अब पूरा क्षेत्र के बारे में
पूरे नगर परिषद के बारे में पूरा एक वार्ड से लेकर 15 वार्ड का पूरा आकलन है कि कहां क्या समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत हैं जी, समस्याओं का निदान करना आवश्यक है जी। कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिन योजनाओं के तहत यहां बहुत सारे विकास के कार्य हुए जी। कुछ विकास के कार्य निष्प्रभावी हैं जिनमें गति लाने के लिए प्रयास करूंगा जी। तो सवाल तो यही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आपकी राजनीतिक दल के द्वारा केंद्र में, राज्य में, नगर परिषद में, हर जगह पर सरकारें चल रही हैं, उसके बाद भी उपेक्षाओं का शिकार अगर है, क्योंकि आप भी एक जिम्मेदारी भरे पद पर बीजेपी पे हैं, तो क्या कारण है कि जो तो हो नहीं पा रहा है? नहीं, उपेक्षाओं का शिकार तो नहीं कहा जा सकता, आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती जी। किसी व्यक्ति को मकान मिल गया है जी, तो उसके पहुंचने तक के लिए सड़क चाहिए जी। तो ये आगे जो भी कार्यक्रम बनते हैं जी, जो भी योजनाएं आती हैं जी, वो योजनाएं पूर्ण होने के बाद जी, उनको कहीं ना कहीं आगे और आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, आवश्यकताएं अनंत हैं जी। तो योजनाएं हुई हैं, योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर आवश्यकता के हिसाब से आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना जी। और यहाँ का जो ITI कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, तो इन पर किसी भी प्रकार से ध्यान सरकार का नहीं दिखाई देता है। 2 से 3 वर्ष पूर्व ITI की कार्य योजना यहाँ पे तैयार की गई, 1-2 कमरे में ITI को संचालित करने की योजना भी परिपूर्ण कर ली गई, लेकिन वो कागजों से ऊपर उज्ज्वल भविष्य की ओर, छात्रों के रोजगार की ओर क्या दशा और दिशा तय कर पा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो इस ओर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे सिरमौर के माननीय विधायक जी ने जी ITI लेने का प्रयास किया, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सिरमौर में सिविल अस्पताल के लिए उन्होंने भूमिका बनाई, सिविल अस्पताल निर्माणाधीन है। ITI के लिए भूमि अधिग्रहित कर ली गई है जी, क्योंकि अभी एक ट्रेड केवल कोपा का लग रहा है जी, उसके लिए जो 2 कमरे हैं वो पर्याप्त है जी। और जैसे ही राशि आवंटित हो जाए जी भवन के लिए, तो वो राशि भी आ जाएगी, और राशि आ जाएगी तो बढ़िया ITI कॉलेज बनेगा और सारे ट्रेड भी हो जाएंगे जी, वहाँ के लिए रास्ता भी बनेगा। एक सवाल यहाँ की जल को लेकर के है, लगभग सिरमौर पिछले 4 से 5 वर्षों से दिसंबर से लेकर के जुलाई माह तक जल की समस्या से ग्रस्त रहता है, और ये समस्या किसी एक विशेष वार्ड की ना होकर के लगभग पूरे वार्डों को, पूरे के पूरे नगर परिषद को अपनी चपेट पे ले चुका है। तो इसका निदान समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो नल जल परियोजना है जी, नल जल परियोजना ये जो पिछला कार्यकाल था जी, उस कार्यकाल के पहले आरंभ हुई जी, खेद का जरूर विषय है जो अभी पूरा तक नहीं हो पाया जी। उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण है जी। तकनीकी कारण ये है कि ये जो प्यूरिफायर सेंटर पड़री में बनना था जी, उस प्यूरिफायर सेंटर को नगर परिषद के कर्मचारियों ने उठा के सिरमौर कर दिया जी। और सिरमौर कर देने से क्या हुआ, जो TS और AS होता है जी, ये दोनों चीजें प्रभावित हो गई जी, और खर्च भी बढ़ गया। खर्च ये बढ़ गया कि जो पानी चचाई से उठने के बाद जी, तो 3 किलोमीटर के बाद प्यूरिफायर सेंटर में जाना था और फिर वहां से सप्लाई के लिए सीधा यहाँ आना था, वो प्यूरिफायर सेंटर अपन सिरमौर में बना दिए नगर परिषद के लोगों ने, जिसकी वजह से वो पाइप का लॉस हुआ जी। और जो अपन एक्सपेंडिचर है, जो मोटर अपन हार्स पावर 25 हार्स पावर का लगना था वहां, जिससे पानी यहाँ आ सकता था, अब उसके हार्स पावर्स की क्षमता कम से कम 50 या 100 करनी पड़ेगी, तब पानी यहाँ आएगा। ये तकनीकी कुछ दिक्कतें हैं, जरूर हैं जी। और कुछ ठेकेदार की दिक्कत है जी, जिसकी वजह से ये काम धीमी गति से चल रहा। अन्य नगर पंचायतों में पानी, पीने का पानी, स्वच्छ पानी नदियों से वहां तक पहुंच चुका है और यहाँ देरी हो रही है। एक बात और इसमें है जी, ये लगभग 9 करोड़ का प्रोजेक्ट था जी, और 4.5 करोड़ के लगभग का भुगतान आ चुका है, शेष राशि अभी नहीं आई है, जिसकी वजह से भी नगर पंचायत के इंजीनियर और CMO ये कहते हैं कि उसकी वजह से हमारा कार्य प्रभावित हो रहा है जी, अपनी गति पर नहीं आ रहा जी। और सिरमौर एक प्राकृतिक धारा, प्राकृतिक सौंदर्य से बना हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक दृश्यों की बात करते हैं और टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं,
तो हमें ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में टूरिज्म सेक्टर को अगर हम ध्यान देते हैं तो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट हो सकता है टूरिज्म सेक्टर का, साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। तो इन संभावनाओं की ओर आप क्या देखते हैं, या इन संभावनाओं को लेकर के भविष्य में आप क्या कार्य योजना बनाते हैं कि हम भविष्य में ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ये सिरमौर सबसे पुरानी तहसील है जी। इस तहसील का विभाजन सिमरिया और मनगांव दो तहसीलों में हो गया और आज की स्थिति में छोटी तहसील हो गई। न्यायालयीन दृष्टिकोण से यहाँ एडीजी बैठते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठीक है, तहसील है, ब्लॉक है, एसडीएम कार्यालय है, शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं यहाँ। और ये जो टूरिस्ट हब के रूप में जो सिरमौर को बनाया गया, कई यहाँ टूरिस्ट केंद्र हैं, विनौची हो गया, टोंस वाटरफॉल हो गया, जुगनिहाई आला घाट हो गया, क्योटी और चचाई है ही, इसके कारण से यहाँ पर्यटक काफी संख्या में आते थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, जैसे टोंस वाटरफॉल की रेलिंग वगैरह अराजक लोग आ जाते हैं जो तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये सब केंद्र बंद हो गए और लोगों का आना जाना कम हुआ। निश्चित रूप से सब अगर थोड़ा थोड़ा सब हर व्यक्ति के अंदर ये भाव हो कि हम किसी चीज को जो अपने जीवन में या आने वाली पीढ़ी को कोई ना कोई चीज एक देगा जी, उसके लिए अपन सुरक्षा करें, सुरक्षा करने में मदद करें, प्रयास करें जी। ये प्रयास सबसे होता है, अकेला सरकार कुछ भी नहीं कर सकती जी। जन सहयोग और जन भावनाएं अगर ठीक होती हैं तो निश्चित रूप से कार्य अच्छे होंगे जी। और सिरमौर को सिरमौर बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए जी। और जैसे कि हर उम्मीदवार के भविष्य को लेकर के कुछ संकल्प होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आगामी चुनावों में सफलता अर्जित करते हैं तो हम ये कार्य करना चाहेंगे। कुछ प्रमुख कार्य जो आप भविष्य में करना चाहेंगे हम उस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जनता जानना चाह रही है कि आप किन मुद्दों को लेकर के भविष्य के चुनावों में उतरने वाले हैं। अपन की मंशा ये है कि यहाँ सिरमौर में रहने वाले लोगों को जी पूरी तरह से स्वच्छ मीठा पानी मिले जी, रहने को जितने पात्र हितग्राही हैं उनको आवास मिल जाए जी, और जहां भी जिस वार्ड में या जिस मोहल्ले तक सड़कें नहीं हैं वहां सड़क और सड़क के साथ दोनों तरफ नालियों का निर्माण हो जाए और एक सुंदर सा साफ स्वच्छ शहर दिखे। यहाँ आने वाले लोगों को ये लगे कि हम किसी नगर में प्रवेश किए हैं, उनको ये चीजें देखनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, लालसा है जी। अब कहाँ तक अपन सफल हो पाते हैं जी, और ये सफलता पर निर्भर करता है। आगामी चुनावों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं खबरदार न्यूज की तरफ से। ऐसे ही हम किसी अगले संभावित उम्मीदवार को फिर से आपके सामने लाएंगे और जानेंगे उनके मुद्दों के बारे में, जानेंगे उनके कार्य योजना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।